तो आज का जो टॉपिक है वो है ये फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये कुछ पहले हम फैक्ट देख लेते हैं। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुला प्लेटिव है वो एंशियंट पार्ट था अर्थ सरफेस का, और जो पेनिनसुला प्लेटिव है मोस्ट स्टेबल रीजन में माना जाता है इंडिया का। पेनिनसुला प्लेटिव जो है वहाँ पे हिल्स वैलीज देखने मिलते हैं, जहाँ पे रॉक्स की अगर बात करूँ तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक है। जो ये लाइन है ना, मेघालयन प्लेटिव इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटिव, ये मोर देन 10 टाइम्स डिफेंस और जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे काफ़ी रिपीट किया हुआ है ये स्टेटमेंट। इसको ध्यान रखना कि किसका एक्सटेंशन है, वो पेनिनसुला प्लेटिव का है। आगे है कि इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला थ्रू विच गैप, तो मालडा गैप, इसको ध्यान रखना ड्यू टू फॉल्टिंग। चलते आगे, इसका आप कहीं नोट वगैरह बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चार अलग अलग नेचुरल रीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, और उसके बाद है पेनिनसुला प्लेटी, उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, और इसी के साथ में 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स भी इसको कैटेगराइज किया गया है। जो पहला है नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, और तीसरा है इंडियन डेजर्ट, चौथा है पेनिनसुला प्लेटी, पाँचवा है कोस्टल प्लेन, और 6th है आइलैंड्स। इसको ध्यान रखना, ये उसी का मैप है, देख सकते हो आप। ये है, तो ये है डेजर्ट एरिया थार डेजर्ट, ये है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ये है ये प्लेन है इंडो गंगा प्लेन, और ये है ईस्टर्न हिमालयास, ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, इसका ध्यान रखना डेक्कन प्लेटू, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये अंडमान, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे है कि पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट कि पास्ट में इंडियन लैंड जो है मास वो मूव किस तरफ कर रहा है, तो वो नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट है। ये आपको पता होगा थियरी में, प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी वगैरह आप अगर पढ़े हो तो आपको डिटेल में काफ़ी पता होगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिनली किसका पार्ट था, तो वो हम सब जानते हैं कि जुरासिक का नहीं था, आर्यावर्त का नहीं था, इंडिया ने कहा गोंडवाना लैंड, पता होगा ना, पेंजिया टूटा, फिर वो सब एलजी, ये लॉरेशिया होगा और ये गोंडवाना, तो ध्यान रखना। इंडिया जो है वो नेचुरली कितने टेरिटोरीज में डिवाइड किया गया है, ये अभी आपको ने ऊपर देखा, यहाँ पे ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि 6 है कि 8 है कि 7 है, तो 6 मत टिक करना, यहाँ पे पूछा है नेचुरल टेरिटोरीज, तो यहाँ पे 4 आएगा जो अभी हमने ऊपर देखा था। उत्तराखंड में, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड, किस पार्ट में आर्टिसन वेल्स देखने मिलते हैं, तो वो जो है भाबर में, तराई में, शिवालिक हिल्स में, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रहे तराई रीजन में। अगला क्वेश्चन है कि अगर हिमालय ना होते तो क्या होता, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव्स जो साइबेरिया से आते हैं इधर से यहाँ पे इंडिया के पास में, और जो इंडो गंगा प्लेन है वो उनमें जो एलुवियल सॉइल्स थे, जैसे ये मान लो कि ये है, ये यूपी का मैप है, तो जो यहाँ पर पूरा ये ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, स्पेशली ये पूरा मान लो इंडो गंगा बेल्ट, तो यहाँ पे जो हुआ वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेन्स रहता है तो ह्यूमन सेटलमेंट इजी बनता है, और पैटर्न मॉनसून का वो काफ़ी अलग होता, ये भी सच है, इसलिए तीनों सही होगा। अब ध्यान रहे क्वेश्चन टिक करते वक्त हम ये चीज़ और देखेंगे, वो ये कि यहाँ पे इनकरेक्ट तो नहीं पूछा है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इसलिए करेक्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर करो स्टेटमेंट लैंडफॉर्म के बारे में है, तो स्ट्रक्चरली जो मेघालय प्लेटू है वो डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, ठीक है, सही है, और वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिंक्लाइनोरियम से बना है, में बना है, और जो गंगा प्लेन है वो 4 डीप में, लेकिन जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, बोला है कि हिमालयन ओरिजिनेट एज अ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन, यूरोपियन और चाइनीज़, ध्यान रहे चाइनीज़ प्लेट का जिक्र कहीं नहीं आता है, इसलिए हम ए को लगाएंगे, 4 को एलिमिनेट करेंगे, और ये 1 एंड 3 है, सेकेंड वाला भी सही है, तो हम ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट को हम सर्कल बनाएंगे, फिर रीड करेंगे। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इंडिया का मोस्ट एंशियंट पार्ट है, हिमालयन माउंटेन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन है, ये भी कई बार लिखाता है, पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इंडिया का, जो ये है ना, ये तो ये जो पूरा वेस्ट कोस्ट वाला लाइन है, वो बोला है कि ये डिपोजिशन से बना है, तो अगर आपने रिवर सिस्टम ठीक से पढ़ा होगा तो वेस्टर्न रिवर साइड में और ईस्टर्न रिवर साइड में, तो डिपोजिशन कभी भी वेस्टर्न में नहीं था, वो ईस्टर्न में था, उससे भी हम एलिमिनेट कर सकते थे कि इनकरेक्ट तो सी वाला होगा। गोंडवाना रॉक्स जो है उसके पास हाईएस्ट कोल रिजर्व देखने मिलता है, ये सच है। हम तो यहाँ पे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो हम सी के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होगा वेस्ट में, ये आप पढ़ सकते हो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो इंडिया का है वो डिपोजिशन से नहीं बनता है, तो इनफैक्ट इट इज़ फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस और इमर्जेंस से बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक। और यहाँ पे लार्जेस्ट कोल देखने मिलता है रिजर्व, गोंडवाना रॉक।
विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट? तो हिमालयन माउंटेन रीजन, ग्रेट प्लेन्स, या फिर इंडियन पेनिनसुला प्लेटू, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? तो ध्यान रहे, जब भी कभी ओल्डेस्ट की बात करी जाए तो वो पेनिनसुला होगा। इनमें से कौन सा डेजर्ट रीजन है? तो डेजर्ट रीजन सिंधु है, गंगा नहीं है। गंगा कहाँ से डेजर्ट होगा, तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में कहाँ डेजर्ट देखने मिलता है? आसाम में नहीं है, ये तो इधर इधर थार साइड है, तो ये पूरा। अगला है कि मैच कराना है, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली, नर्मदा, और ये इनके कुछ पीरियड्स दिए हुए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि मैच कराना है तो बी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो डेक्कन ट्रैप है वो क्रिटेशियस में आएगा, और जो वेस्टर्न घाट है वो लेट सीनोसियस में आएगा, सीनोजोइक में। जो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियम में आएगा, और जो नर्मदा है वो प्लीस्टोसिन में आएगा। तो आप ऐसे एक बॉक्स बना के लिख सकते हो, और उसको कई बार मेमोराइज करना पड़ेगा। राजस्थान डेजर्ट, जो या वहाँ पे थार डेजर्ट है, राजस्थान यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे थार डेजर्ट है, हिमालय यहाँ पे लोकेटेड है, तो वो एक्सपेंशन है अब विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पूछा है कि किस टाइम में, तो प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन, या फिर ऑलिगोसीन। तो ध्यान रहे वो प्लीस्टोसीन है। अगला है कि कुट्टनाड, केरल में जो फेमस है, वो फ्रेश वाटर लेक है कि रीजन है लोवेस्ट अल्टीट्यूड के साथ, कि कोई कोरल आइलैंड है, या फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है? तो ध्यान रहे कि ये जो है रीजन है लोवेस्ट अल्टीट्यूड यहाँ पे देखने मिलता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कॉपी में। ठीक, तो हो गया हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। घटनाचक्र ज्योग्राफी की सीरीज़ हम स्टार्ट किया है, ये है ज्योग्राफी की सीरीज़। फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स, पॉलिटी वगैरह का भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, और अगर आपको PDF चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट में आप देख लेना, वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स का, अभी तक 4-5 हो गए होंगे, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।